कबीरदास की आत्मा देवात्मा है? है? जैसे तुलसीदास की आत्मा देवात्मा है, जैसे कबीरदास की देवात्मा है। कबीरदास को हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने माना या सिर्फ हिंदुओं ने माना? दोनों ने माना ना, दोनों की बुराई की। लेकिन सच्चाई बताई या झूठ बताया? है? पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजे पहाड़, किसकी बुराई कर दी? हैं? हिंदुओं की बुराई कर दी। दूसरी तरफ बोला काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चले मोड़ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, लेकिन बात सच्ची बोली या झूठी बोली? तो सच्चाई सबको प्रिय है, हिंदुओं को भी सच्चाई प्रिय है और मुसलमानों को भी सच्चाई प्रिय है। इसलिए दोनों कबीरदास को मानते थे। हमारे भारतवर्ष में ब्रह्मा के चार पहले पहले पुत्र हुए हैं। ऐसे नहीं है कि जो पुत्र ज्ञान में योग में बहुत तीखा था, योगीश्वर और ज्ञानीश्वर की उपाधि जिसको मिली उसी की मान्यता है, बाकी तीन की मान्यता नहीं है। वो तीन की भी मान्यता है भले वो दूसरे धर्मों के बीज हैं। उनमें कोई इस्लाम धर्म का भी बीज है तो भी श्रेष्ठ आत्मा तो है ना। तो वो श्रेष्ठ आत्मा जो आकर के चलो तुलसीदास नहीं बनती है, कबीरदास तो बन सकती है कि नहीं बन सकती है? तो मान्यता है, हिंदुओं में भी है तो मुसलमानों में भी है।